नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अन अकेडमी राजस्थान एग्जाम स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने। भारतीय संविधान की क्लास लेकर के इंडियन पॉलिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछली तीन कक्षाओं में हमने जानकारी हासिल करी कि भारतीय संविधान जो वर्तमान में हमें मिला है उसके संविधान की इतिहास में क्या पृष्ठभूमि रही है, जिसमें हमने जाना कि इतिहास में उसकी पृष्ठभूमि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होती है, जो कि 1947 के भारत सरकार अधिनियम तक हमें दिखाई देती है जब भारत को आज़ाद किया गया। वहां पर हमने उसे दो भागों में जानकारी हासिल करी थी कि 1773 से 1857 के मध्य जो कंपनी का शासन था उस समय में भारतीय संविधान के इतिहास की पृष्ठभूमि हमें दिखाई देती है, और 1858 से 1947 के मध्य में जब ताज का शासन, ब्रिटेन की क्राउन, महारानी का शासन जब है उस समय में किस प्रकार संविधान के विकास का इतिहास क्रम हमें दिखाई देता है। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे कि जो वर्तमान भारतीय संविधान हमारे सामने है उस संविधान क्या है, उसका उद्देश्य क्या था, किस प्रकार वो हमारे लिए जरूरी रहा, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, इन सभी मुख्य तथ्यों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। उससे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर। आप सभी से निवेदन है कि क्लासेस को रेगुलर देखिए, ध्यान से देखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पीपीटीज में दिए जा रहे हैं उन्हें कहीं नोट कर लें, याद करते चलें, रिविजन करते चलें, और साथ ही साथ अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी थोड़ा भला करते चलें। इस लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ते चलें। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान एवं संविधान का निर्माण। उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। संविधान के निर्माण के बाद हस्ताक्षर करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर की तस्वीर दिखाई दे रही है। उसके बाद में एक संविधान सभा की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, वो पल जब संविधान का निर्माण किया गया और उसे पूरा किया गया। कल हमने बात करी थी 1947 के अधिनियम में जब ब्रिटेन सत्ता भारत को सौंप करके गया था उस समय एक बात कही गई थी, एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था और कहा गया था कि जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण पूरा नहीं कर लेती है तब तक वही शासन चलाएगी, जब संविधान बन जाएगा उसके बाद में पहले लोकतांत्रिक चुनाव होंगे और जो सरकार चुनकर के आएगी फिर वो भारत पर शासन करेगी। तो ये संविधान सभा की तस्वीरें हैं जिन्होंने संविधान सभा के निर्माण कार्य को पूरा किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान क्या है इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको अपनी पहली कक्षा में दे चुका हूं। अंग्रेजी भाषा का जो ये शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें कहाँ से मिला है, ये लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से मिला है और इसका मतलब क्या होता है, शासन करने वाला सिद्धांत, यानी द रूल एंड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। ऐसे समझिए, हम हमारे घर में रहते हैं तो हमारे बुजुर्गों ने, यानी दादा दादी ने, माता पिता ने कुछ नियम कानून हमारे घर के लिए बना रखे हैं और उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग हम हमारे घर में रहते हैं, हर त्यौहार मनाते हैं, रीति रिवाजों को पूरा करते हैं, एक कल्चर है उसे पूरा करते हैं, एक खाने का समय है, सोने का समय है, तो कहीं ना कहीं हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं जिसके द्वारा हम हमारे घर के अंदर एक क्या बनाए रखते हैं, शासन व्यवस्था, यानी घर में एक डिसिप्लिन मैनर में हम हमारे कार्यों को पूरा कर पाते हैं। उसी प्रकार जब भारत जो देश है, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, अब इतने बड़े देश के शासन को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स की और कुछ नियमों की आवश्यकता होगी। वो नियम हमें कहाँ से मिलेंगे, वो नियम हमें मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट हम देखते हैं, जिस देश का शासन जिन नियमों के अनुसार, जिन सिद्धांतों के अनुसार, रूल्स रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स के अनुसार चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे संविधान कहा जाता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए, देख सकते हैं आप, आधुनिक युग में संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं,
पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, जो कब बना गया, डिसीजन लिया गया 1787 में फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ था, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि यूएसए का जो संविधान है वो लिखित संविधान होगा और सबसे पहला लिखित संविधान है। यूरोप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला संविधान हमें नीदरलैंड में बना दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, संविधान की परिभाषा क्या है। देखिए संविधान क्या है, इसके बारे में आपको मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, एक मौलिक दस्तावेज है, जो कि उस देश का सबसे बड़ा कानून होता है, उस देश का सुप्रीम लॉ होता है। ठीक है सर, तो सुप्रीम लॉ है तो क्यों जरूरत पड़ती है इसे, तो हमने फर्स्ट क्लास में समझा था, दोबारा समझिए कि हर देश की जो सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कल्चरल यानी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं के बीच में सामंजस्य बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, उसके लिए हमें एक रूल्स रेगुलेशन बुक की जरूरत होगी, जो हमें संविधान के रूप में मिलती है। तो संविधान की परिभाषा का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, एक मौलिक दस्तावेज है, जो कि उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। साथ ही साथ वो जो राज्य है, जो देश है, उसकी सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी, किस प्रकार से कार्य करेगी, उसकी शक्तियां क्या होगी, उसकी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उसके उत्तरदायित्व क्या होंगे, इन सब का निर्धारण भी संविधान के द्वारा किया जाता है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? पहले दो पॉइंट क्लियर होंगे आपको, तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संविधान जो होता है वो उस देश की जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों, आशाओं और इच्छाओं को पूरा करने का कार्य करता है। देखिए किसी भी देश के विकास के लिए उस देश की जनता के विकास का होना जरूरी है। जब जनता विकास करेगी, जब लोग आगे बढ़ेंगे, तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। तो लोगों को कुछ स्वतंत्रता चाहिए होगी आगे बढ़ने के लिए, उन्हें कुछ मूल अधिकार चाहिए होंगे, उन्हें कुछ नीति निर्देशक तत्व चाहिए होंगे, उन्हें कुछ स्वतंत्रता के अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार। तो इस प्रकार उस देश की जनता को बहुत सारे अधिकारों की जरूरत पड़ेगी और उन अधिकारों को देने का कार्य कौन पूरा करेगा? उस देश का संविधान पूरा करेगा। तो संविधान में लोगों की इच्छाएं दिखाई देती हैं, उनकी उम्मीद दिखाई देती है और वो संविधान उनकी उम्मीदों को भलीभांति पूरा करता है। और हम भारत के लोग गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो हमारी सभी उम्मीदों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को भली भांति पूरा करता है। हमें वो सभी अधिकार दिए गए हैं जो हमें हमारे स्वयं विकास के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी, हमारे स्टेट और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वो सभी अधिकार भारत का संविधान हमें देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का उद्देश्य क्या होता है? संविधान का उद्देश्य होता है उस देश की जो सरकारें हैं वो किस प्रकार से कार्य करेगी, इसके लिए उन्हें कुछ अंगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें कार्य करने के लिए हमारे बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार सरकार को कार्य करने के लिए कुछ अंगों की आवश्यकता होगी, जिसमें उसके मुख्य अंग, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश की जो सरकारें हैं उनके मुख्य अंग हैं विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बात क्लियर है दोस्तों? तो सरकार के जो मुख्य अंग हैं वो उसे कौन देगा? संविधान देगा, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आगे देखते हैं, सरकार के अंगों की शक्तियां यानी सरकार के जो अंग हैं उनकी शक्तियां क्या होगी, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनके दायित्व क्या होंगे, इन सब की जानकारी भी हमें संविधान के द्वारा ही मिलेगी। आगे बढ़े दोस्तों, संविधान का जो प्रयोग है उसके बारे में। सबसे पहले संविधान का निर्माण कहाँ हुआ? एथेंस यूनान के अंदर। और फिर एक बात जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आधुनिक युग में जो सबसे पहला संविधान था वो हमें कहाँ मिलता है लिखित रूप में? अमेरिका में मिलता है। ये सवाल बार बार आता जा रहा है, आपको याद हो गया होगा ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। आगे हम देखते हैं,
सरकारों को चलाने की, राष्ट्रों को चलाने की कुछ प्रकार की शासन पद्धतियां हैं, जैसे संसदीय शासन पद्धति, अध्यक्षात्मक सरकार की पद्धति और गणतंत्रीय लोकतंत्र की पद्धति, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड रिपब्लिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो संसदीय सरकार का जो उद्गम है वो सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। भारत में भी किस प्रकार की सरकार मिलती है? संसदीय सरकार मिलती है। उसके बाद में अध्यक्षात्मक सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट जो हम देखते हैं कहाँ पे? यूएसए में। वहां का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। दूसरी, वहां पे हम देखते हैं दोहरी नागरिकता, ठीक है। तो ये अध्यक्षात्मक सरकार हमें कहाँ दिखेगी? यूएसए में। और रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो हमें कहाँ मिलते हैं? स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है, जहां पे जनता को अधिकार, जो लिबरल हैं, लिबरल राइट्स जो हैं वो ज्यादा दिए गए हैं। तो तीन प्रकार की सरकारें हम देखते हैं, संसदीय सरकार इंग्लैंड में, अध्यक्षात्मक सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में और गणतंत्रीय लोकतंत्र हम स्विट्जरलैंड के अंदर देखते हैं। उसके बाद में मैं आपको बता चुका हूँ भारत के अंदर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, ये तीन इंपॉर्टेंट भाग हमें पढ़ने हैं। मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे भाग तीन में, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे हम भाग चार में, और मौलिक कर्तव्य हम पढ़ेंगे 4A यानी 4K में। तो संविधान क्या देता है? मौलिक अधिकार देता है, मौलिक कर्तव्य देता है और नीति निर्देशक तत्व हमें प्रदान करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति खुद का स्वय विकास, पर्सनल डेवलपमेंट करता है और साथ ही साथ उस देश का भी विकास करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान निर्माण की मांग। देखिए, सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार था वो ब्रिटेन के सर हेनरी मैन के दिमाग में आया। किसके दिमाग में आया? ब्रिटेन के सर हेनरी मैन के दिमाग में आया। और प्रैक्टिकल रूप में हम देखें कि सबसे पहला संविधान निर्माण कहाँ हुआ? अमेरिका में, जहाँ पे संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान का निर्माण किया गया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे पहला विचार किसके दिमाग में आया, तो आप बताएंगे कि सबसे पहला विचार ब्रिटेन के सर हेनरी मैन के दिमाग में आया। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान निर्माण का जो व्यवहारिक रूप में पहली संविधान सभा बनाई गई और संविधान का निर्माण किया गया, तो वो कहाँ किया गया? वो अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखेंगे वो भारत के संदर्भ में है। भारत में सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक तैयार किया था 1895 में, और उसमें ये वर्णन किया गया है संविधान सभा बनाने का। यानी कि बाल गंगाधर तिलक 1895 में एक स्वराज विधेयक बनाते हैं और उसमें संविधान सभा के सिद्धांत के बारे में वो बात करते हैं। तो भारत में सबसे पहले कौन कर रहा है? तिलक कर रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं, संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा 1922 में एक पत्र वो निकालते थे। यहाँ पर आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार हो रहा है हरिजन, सवाल पूछे जाते हैं इस प्रकार के। चार पत्रों के नाम दे दिए, चार लोगों के नाम दे दिए, सवाल होएगा मैच द फॉलोइंग, सही सुमेलित करिए। तो गांधी जी कौन सा पत्र एक निकालते थे? हरिजन। तो गांधी जी ने जो 1922 में हरिजन जो पत्र निकालते थे, उसमें उन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने क्या कहा? संविधान सभा होनी चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही। बात क्लियर है? तो सबसे पहले कौन कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक, स्वराज विधेयक में 1895 में। फिर उसके बाद में कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी 1922 में हरिजन नामक पत्र में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा हुआ था, ये हमें पता है। जून 1934 में सबसे पहले संविधान सभा के लिए एक मांग पेश की गई थी। 1934 में ही एम एन रॉय सबसे पहले संविधान के निर्माण की मांग पेश करते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो यहाँ पे दो बातें आपके सामने आती हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा हुआ, और जून 1934 में 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए एक मांग पेश की गई, और 1934 में ही एम एन रॉय ने संविधान के निर्माण की मांग पेश करी थी 1934 में ही।
ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, 1936 में लखनऊ में कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखिएगा कहाँ पे, लखनऊ में। कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हैं वो कहाँ आयोजित किए गए थे, किस सन में आयोजित किए गए थे और उनका कौन अध्यक्ष रहा, ये सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ये सवाल जो है वो आपका हिस्ट्री में बनेगा, इतिहास में बनेगा। तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ एक पूरी लिस्ट तैयार करेंगे, इम्पॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन वो कहाँ पर आयोजित किए गए, कौन से ईयर में आयोजित किए गए और उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, ये चारों बातें, और उस अधिवेशन की इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई उस अधिवेशन में, ये पांचों प्रकार की बातें हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम नोट करेंगे। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस का जो एक अधिवेशन हुआ था जिसमें संविधान बनाने की और संविधान सभा बनाने की बात की गई थी, मांग की गई थी कि संविधान सभा बनाई जाए और उसके द्वारा एक संविधान बनाया जाए, इसकी मांग प्रस्तुत की गई थी। बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटेन की सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कैसे किया गया इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये मांग करते हैं कि भारत में संविधान सभा जो बनाई जाएगी वो चुनी जाएगी वयस्क मताधिकार के द्वारा। भारत में संविधान सभा का जो निर्माण होगा उसका चुनाव किया जाएगा वयस्क मताधिकार, यानी अडल्ट जो है लोग वो वोट डालेंगे और वो वोट डाल के एक संविधान सभा को चुनेंगे और वो संविधान सभा भारत का संविधान बनाएगी। ये मांग 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और 1940 के अंदर एक प्रस्ताव पेश किया गया 8 अगस्त 1940 को। कब किया गया दोस्तों, देखिए 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसे हम बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलते हैं दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव। ये किसने जारी किया था, ये जारी किया था लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पेश किया, क्योंकि अगस्त में पेश किया गया था तो अगस्त प्रस्ताव नाम दे दिया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा बनाए जाने की मांग की गई थी उस मांग को स्वीकार कर लिया गया। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखे अभी पीछे हमने, 1934 में मांग हुई, 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन में मांग हुई, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मांग करते हैं जिसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया जाता है ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं 1942 में एक मिशन आया ब्रिटेन की ओर से सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। उस प्रस्ताव को बोला जाता है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स जो प्रस्ताव लेकर के आए थे, जो प्रपोजल लेकर के आए थे, उसमें भी संविधान सभा बनाई जाने की बात कही गई है, इतिहास ऐसा हमें बताता है। आगे देखते हैं 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी योजना के अनुसार एक संविधान सभा की संरचना बनाई थी। 1946 में जो ये ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल है जिसने संविधान सभा की संरचना बनाई है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और हम इसमें अब बात करेंगे कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। व्हाट इज कैबिनेट मिशन? देखिए 1946 में एक तीन स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत में आया जिसे क्या नाम दिया गया, कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। यानी 1946 में एक मंत्रिमंडल प्रतिनिधिमंडल भारत में आया जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से हम जानते हैं। इस कैबिनेट मिशन के अंदर तीन सदस्य थे, कौन कौन से थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस।
ये पैथिक लॉरेंस जो हैं ये इस समय भारत सचिव हैं। तो मेरा एक सवाल है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं पिछली दो कक्षाओं में, भारत सचिव का पद, भारत सचिव का पद कब बनाया गया? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस, जो कि उस समय भारत सचिव थे। दूसरे अध्यक्ष सदस्य कौन थे? ब्रिटेन व्यापार बोर्ड, ब्रिटेन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरे थे नौसेना अध्यक्ष ए बी एलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर। इन तीनों ही सदस्यों से मिलकर के एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया। बात क्लियर है क्या? ये कैबिनेट मिशन जो भारत में आया है, इसका मूल उद्देश्य क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो मतभेद थे, उन मतभेदों को दूर करके समझौता कराना चाहता था। बात क्लियर है क्या? वापस से ध्यान से सुनिए, कैबिनेट मिशन का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को दूर किया जाना, यानी जो भी मतभेद हैं उनको दूर करना और उनके बीच में समझौता कराना, और वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में सहायता करना। दूसरा उद्देश्य क्या था? कि वायसराय क्या करे? भारत की संविधान सभा जो बनेगी, जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी, उसके अंदर उसकी सहायता की जाए। यानी कि कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराना तथा वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में सहायता करना। यानी कैबिनेट मिशन दो कार्य करेगी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराएगी और वायसराय को मदद करेगी, हेल्प करेगी। किस में मदद करेगी? संविधान सभा के निर्माण में मदद करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 1946 में किया गया, 1946 में किया गया। बात क्लियर है क्या? तो कैबिनेट मिशन जो प्रपोजल्स लेकर के आया था, उसके जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों के अनुसार इनडायरेक्ट वे में राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा 1946 में संविधान सभा का गठन प्रारंभ किया गया। इसके निर्वाचन में तीन संप्रदायों के लोगों को, यानी तीन धर्मों के लोगों को, एक मुस्लिम, सिख व हिंदू, मुस्लिम सिख, बाकी जितने भी फिर अन्य हिंदू धर्म के लोग थे जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियां आती थी, इन तीनों को ही इसमें शामिल किया गया। बात क्लियर है दोस्तों? साथ ही साथ चीफ कमिश्नर ट्रांप, जिनके बारे में हमने कल भी बात करी थी, इनको भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई? 1946 में आई। तीन सदस्य थे, भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर। जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों को दूर करके उनके बीच समझौता कराना और वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में सहायता करना। और इसने क्या किया? अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें तीन संप्रदाय के लोगों को भाग दिया गया, मुस्लिम सिख और हिंदू। नेक्स्ट हम देखते हैं संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके विभिन्न चरणों के बारे में अब हम बात करेंगे। संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या रहे, कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ, देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके लिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। इम्पॉर्टेंट, यानी कि भैया मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। जो पहली बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, और मुस्लिम लीग ने इस प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब 11 दिसंबर 1946 को
जो संविधान सभा की जो अगली बैठक हुई है, उस अगली बैठक में अब परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष किसको चुन लिया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया है। बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, श्री बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया बी एन राव को। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो यहाँ तीन पॉइंट्स लगातार हम इंपॉर्टेंट देखते हैं। पहली जो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। दूसरा, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में क्या प्रस्तुत किया? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, और संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। और इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। यानी कि जो प्रपोजल, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उसको, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया संविधान सभा ने। कब कर लिया? 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया, पारित कर दिया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसका जो आइडिया संविधान सभा में है, संविधान में है, इसमें हम आगे जब चर्चा करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव का जो ये आइडिया है, ये कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे जब संविधान के स्रोतों के बारे में जानकारी, कि हम, मैंने आपको पहली भी क्लास में बताया था, हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान में कुछ बहुत सारे विशेषताएं हैं जो हमने दूसरे देशों के संविधान से ली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई, जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, संविधान समिति, झंडा समिति। अब ये बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इन समितियों के सहयोग के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया था। तो कल की जो हमारी क्लास होने वाली है, ध्यान दीजिएगा, कल की जो क्लास होने वाली है, इनमें हम इन समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोई भी बच्चा मिस ना करे कल की क्लास, क्योंकि कल की क्लास में हम सिर्फ समितियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं विभिन्न समितियों में जो सबसे प्रमुख समिति थी, प्रारूप समिति, सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी ये। इस समिति को, जो कि 19 अगस्त 1947 को गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बात क्लियर है क्या? सभी समितियों में से सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो थी वो कौन सी थी? प्रारूप समिति, जो कब बनाई गई थी? 19 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर। इन समितियों के बारे में चर्चा हम कल की क्लास में विस्तार से करेंगे। अभी सिर्फ आप ये जानकारी याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संविधान सभा की बैठक यानी तृतीय वाचन यानी अंतिम बैठक जो थी वो 14 नवंबर 1949 को हुई। कब हुई? 14 नवंबर 1949 को। और यह बैठक कब समाप्त हुई? 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो गई। वापस से ध्यान से सुनिए दोस्तों, संविधान सभा की आखिरी बैठक यानी लास्ट जो राउंड हुआ, थर्ड राउंड, अंतिम राउंड, ये कब शुरू हुआ? 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ। और ये बैठक कब समाप्त हुई? 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है, संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में पूरा किया गया।
सवाल पूछा तो नहीं जाएगा, बट जानकारी हम रख लेते हैं कि जो पूरा संविधान हम देखते हैं वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में बनकर के तैयार हुआ। और संविधान को हमने लागू कब किया? संविधान को हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनाव तक भारतीय संसद के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। तीनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को तो आखिरी बैठक पूरी हुई संविधान सभा की, और संविधान सभा ने उस संविधान को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने उसे अपना लिया। आखिरी दिन संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथ ही ये भी कहा गया कि संविधान सभा ही जो आगामी संसद है, चुनाव जो होंगे, चुनाव के पूरे होने तक भारतीय संसद के रूप में कार्य करेगी। बात क्लियर है क्या दोस्तों? संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से जिन लोगों का हाथ रहा उनके कुछ नाम हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य कृपलानी, टीटी कृष्णामाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का पिता भी कहा है। यानी जो भारतीय संविधान है उस संविधान के पीछे की जो मूल भावना है, जो मुख्य मस्तिष्क जो कार्य किया, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उसका श्रेय दिया जाता है। बात क्लियर है? और भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ऐसी बात हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का है, लेकिन वो सबसे पहला भी है और सबसे छोटा भी है। और सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान, सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान जो है वो भारतीय संविधान है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, संविधान की प्रकृति और स्वरूप कैसा है? देखिए, जो भारत का मूल संविधान था, जो तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 4 परिशिष्ट थे और 8 अनुसूचियां थी। जो मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 4 परिशिष्ट थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अब वर्तमान में क्या स्थिति है ये समझ लीजिए। देखिए, वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या तो कितनी हो गई है? 12। यानी अब अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। 4 बार संविधान में संशोधन करके अनुसूचियां जोड़ी गई। इनके बारे में, हर अनुसूची में जो अनुसूचियां नई जोड़ी गई, इनके पीछे क्या उद्देश्य रहा, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे, सर अभी अनुच्छेद और भाग कितने हैं? देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेदों की वर्तमान में अगर गणना करें संख्या के हिसाब से, तो वो कुल लगभग 465 के आसपास दिखाई देते हैं और भाग कुछ 26 के आसपास दिखाई देते हैं। लेकिन जो मूल संख्या है, जो मेन डिजिट है, वो आज भी हम क्या मानेंगे? 395 अनुच्छेद और 22 भाग मानेंगे, क्योंकि इनमें संशोधन करके परिवर्तन नहीं किया गया है। इन्हें सिर्फ कुछ क्लॉज के अकॉर्डिंग इन अनुच्छेदों में जोड़ दिया गया है। तो सीधे और सरल शब्दों में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और भाग थे, 395 और 22 भाग थे, और आपसे पूछे वर्तमान में भी कितनी संख्या है, तो वर्तमान में भी आपको क्या बताना है? 395 अनुच्छेद और 22 भाग बताने हैं। हालांकि आपको इंटरनेट पर और कुछ किताबों में अनुच्छेद 465, लगभग 465 के आसपास और कुल 26 भाग दिखाए जाएंगे, लेकिन वो मूल संख्या नहीं है। क्या नहीं है? मूल संख्या नहीं है, वो सिर्फ वर्तमान में क्लॉज जोड़ जोड़ करके उनकी गिनती बढ़ा दी गई है, अनुच्छेदों की और भागों की गिनती बढ़ा दी गई है।
लेकिन जो संविधान है, जो मुख्य संविधान है, उसमें आज भी 395 अनुच्छेद और 22 भाग ही कहलाए जाएंगे, क्योंकि जो नए भाग जोड़े गए हैं उनको किसी भी प्रकार से संविधान संशोधन करके जोड़ा नहीं गया है। तो आप बोलोगे सर अनुसूचियां 12 क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अनुसूचियों को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया, इसलिए वो अब 12 हो गई है। बात क्लियर है, आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों है, यानी कि एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, ठीक है। यानी कहते क्या हैं, संविधानिक सलाहकार ये कहते हैं, जैसे भारत का संविधान संघीय कम एवं एकात्मक अधिक है, ये कौन कह रहे हैं, ये डॉक्टर डीडी बासु कह रहे हैं। ऐसा क्या है, देखो पहले तो समझो कि एकात्मक और संघात्मक में क्या फर्क है। एकात्मक संविधान यानी वो संविधान जहां पे सारी की सारी शक्तियां एक केंद्र सरकार को सौंप दी गई है, बात समझ में आ रही है। एकात्मक संविधान वो संविधान होगा जहां पर सारी की सारी शक्तियां एक ही केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। एकात्मक संविधान जिसमें लागू होगा वहां पे वहां के लोगों के पास एकल नागरिकता होगी, बात समझ में आ रही है। यानी एकात्मक संविधान इज इक्वल टू सारी की सारी पावर एक ही केंद्र सरकार के पास में इकट्ठी हो जाएंगी। दूसरा, वहां के जो नागरिक होंगे उनके पास एकल नागरिकता होगी। संघात्मक यानी फेडरल, जो हमें कहां दिखाई देता है, अमेरिका में। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, यानी वहां का संविधान किस प्रकार का है, संघात्मक फेडरल। वहां पे जो संघात्मक सिस्टम होता है वहां पे मुख्य अधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति। जैसे अमेरिका में मुख्य कौन है, फर्स्ट पर्सन, राष्ट्रपति। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट वहां पर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो वहां पे दोहरी नागरिकता है, एक देश की नागरिकता है और दूसरी राज्यों की नागरिकता है, बात क्लियर है क्या। अब आप देखो भारत कैसा है, भारत एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। यानी भारत जो है वो एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। कैसे है, देखिए भारत में भी राष्ट्रपति होता है लेकिन राष्ट्रपति यहां पर मुख्य व्यक्ति नहीं है। दूसरा, एकात्मक है क्योंकि एकल नागरिकता है हमारे पास में। तीसरा, संघात्मक में क्या किया जाता है, संघात्मक में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में, और भारत में क्या है, जो केंद्र है वो सबसे अधिक ताकतवर है लेकिन राज्यों को भी यहाँ पे बराबर कुछ शक्तियां दी गई हैं जिससे वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वापस समझिए, ध्यान से समझिए। एकात्मक और संघात्मक में फर्क बता रहा हूं। एकात्मक यहाँ पे सेंट्रल पावर जो है वो एक ही सरकार को दे दी गई है और एकल नागरिकता है। संघात्मक जहां पे राष्ट्र और राज्य की नागरिकता अलग है, राष्ट्रपति वहां का प्रमुख होता है, फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें हम कहते हैं। तो भारत में जैसे क्या है, राष्ट्रपति प्रमुख नहीं है, भारत का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री, जो कि संसदीय व्यवस्था का प्रमुख है और सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुन करके हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। एकल नागरिकता है, तो एकल नागरिकता किसकी व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था की। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है और दोनों को स्वतंत्रता प्रदान होती है। तो भारत में भी क्या है, केंद्र और राज्य दोनों है, केंद्र को शक्तियां अधिक है लेकिन राज्यों को भी काफी हद तक शक्तियां दी गई हैं। कल मैंने आपको तीन बातें बताई थी, तीन प्रकार की सूचियां बताई थी कल मैंने आपको, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो अधिकार है वो किसके पास में है, केंद्र सरकार के पास में। राज्य सूची में अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार के पास। और समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों के पास में। तो भारत में ये संघात्मक व्यवस्था तो है, यानी केंद्र और राज्य दो प्रकार की बॉडी तो है लेकिन यहाँ पे शक्तियां सिर्फ केंद्र के पास नहीं है, राज्यों को भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसीलिए कहा गया है कि भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, क्वाड्री फेडरल जिसे हम कह सकते हैं, यानी एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जहां पे केंद्र मजबूत है। भारत जो है वो कैसे बनता है, राज्यों से मिलकर बना संघ है। भारत क्या है,
राज्यों से मिलकर बना संघ है। जब हम अनुच्छेद एक में बात करेंगे तो अनुच्छेद एक यही कहता है, आर्टिकल वन, कि इंडिया भारत यानी क्या है, राज्यों से मिलकर बना संघ है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था है, राज्यों से मिलकर एक संघ बना जिसे क्या कहा जाता है, भारत। वहां पर एक केंद्र सरकार है जो कि अधिक पावरफुल है, लेकिन साथ ही साथ भारत के जो सभी राज्य हैं जिनसे मिलकर के भारत बना है उनको भी बराबर रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यवस्थाओं को तीन प्रकार की सूचियों में बांट दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार को संपूर्ण अधिकार है, राज्य सूची में राज्य सरकारों को संपूर्ण अधिकार है, और समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त है, लेकिन केंद्र थोड़ा सा पावरफुल ज्यादा है। बात क्लियर है क्या? संघात्मक शासन व्यवस्था की है, एकात्मक में एकल नागरिकता है, ठीक है। तो संघात्मक के गुण है, लेकिन संघात्मक में क्या, अमरीका है तो वहां पे दो प्रकार की नागरिकता, लेकिन भारत में क्या है, एक ही प्रकार की नागरिकता है। तो एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो भारत का संविधान अर्धसंघीय है, ऐसा केसी व्हीलर भी कहते हैं, यानी कि एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे को देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की विभिन्न समितियों के बारे में कुछ बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि संविधान सभा की जो समितियां हैं, मुख्य समितियां थी, उनके बारे में कल विस्तार से चर्चा हम करेंगे। यहां पर आप देख लीजिए, समितियां संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने सबसे पहले 13 समितियों का गठन किया गया, और इन समितियों ने अगस्त 1947 तक अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी, और उसके पश्चात उन रिपोर्ट्स पर संविधान सभा ने विचार किया। 13 समितियां बनाई गई, अगस्त 1947 तक उन्होंने रिपोर्ट भेज दी और फिर उन पर विचार किया गया, ठीक है। उसके बाद एन माधव राव, बी एल मित्र के स्थान पर बाद में नियुक्त हुए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रारूप समिति के सदस्य श्री एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला के एम मुंशी, बी एल मिल और डी पी खेतान थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य समिति के लिए बंगाल से निर्वाचित हुए थे, यानी वो कहां से चुन करके आए थे, बंगाल से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार करने वालों में कौन कौन से लोग थे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, इन तीन लोगों ने संविधान सभा की सदस्यता को स्वीकार नहीं किया था। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा संविधान के बारे में, संविधान की परिभाषा के बारे में हमने देखा, हमने संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान क्या है उसको देखा, परिभाषा देखा, संविधान के उद्देश्य देखे, संविधान का प्रयोग देखा, संविधान निर्माण की मांग भारत में कब कब कैसे हुई, कैबिनेट मिशन योजना ने किस प्रकार संविधान सभा को स्वरूप प्रदान किया, संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को देखा, और उसके बाद में संविधान की प्रकृति को हमने देखा, और कल हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के विभिन्न समितियों के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की क्लास में कुछ बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख दें, उसका समाधान हम करेंगे। कल हम बात करेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और क्लासेस को लगातार देखते रहिए, रिविजन करते रहिए और याद करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।